जम्मू एंड कश्मीर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू इकाई की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मेरे साथ जयपाल शर्मा जी, चेयरमैन पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड प्रेसिडेंट डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के होते हैं, उन पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ लाइनमैन एसोसिएशन के बिट्टू जी भी हैं, मेरे साथ आशिक हुसैन साहब, मेरे साथ यशपाल जी हैं जे एंड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन से, मेरे साथ तरुण जी हैं जे एंड के पीडीडी एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से, अखिल जी हैं जो डेली वेजर्स और नीड बेस्ड एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मेरे साथ एच डी सिंह साहब हैं जो इस टाइम पे टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के भी जो है अहदेदार हैं। संजय जी भी हैं जो सेंट्रल बॉडी के मेंबर हैं, संजय शर्मा जी डिप्लोमा इंजीनियर्स के सेंट्रल बॉडी के मेंबर हैं जो ऑल जे एंड के डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि मैं एक तो चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आज 21 तारीख और ठीक एक महीना पहले 21 तारीख रात को 12 बजे एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जम्मू की जनता को परेशानियों से बाहर निकालने के लिए हमने इमीडिएटली जो है वर्क बाइकआउट कॉल को सस्पेंड किया, वर्क बाइकआउट कॉल को कॉल ऑफ भी किया और इस एश्योरेंसेस पे कि एक राइटिंग में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कुछ इश्यूज पे जो है टाइम बाउंड तरीके में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शो होगा और हमारे जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको रिलीफ मिले। पूरे एक महीने में आपने देखा जिस तरह से बर्फबारी हुई कश्मीर में भी और जम्मू के हाई रेंजेस में स्नोफॉल हुई और जम्मू के भी प्लेन्स में हेवी रेनफॉल हुई, उसके दौरान जो इतना मुस्तैदी से हमारे डेली वेजेस भाइयों ने नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स उन भाइयों ने जिस तरीके से मेहनत की उसकी गवर्नर साहब ने भी अप्रिशिएट किया और हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इसका कॉग्निशंस लिया। लेकिन ग्राउंड पे स्थिति नहीं बदली, उसके घर पे जो चिराग था वो आज भी वैसे ही बुझा हुआ है क्योंकि उसको जो वेजेस है अभी तो वेजेस भी कई लोगों को नहीं मिल रही है जिनको प्रॉमिस किया गया था वहां पोडियम से, अहदेदारों ने प्रॉमिस किया था, सरकार के नुमाइंदों ने प्रॉमिस किया था कि उनको वेजेस के लिए पोर्टल पे रजिस्टर किया जाएगा जो हमारे जम्मू के और कश्मीर के नीड बेस्ड लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही। दूसरा, उन लोगों को रेगुलराइजेशन के भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे जिनकी डीपीसी ऑलरेडी क्लियर है। 2019 से जो चीजें पेंडिंग थी जिसके लिए 2021 में एजिटेशन की गई और आज एक महीने बाद भी वो इश्यू जब एड्रेस नहीं होते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम गवर्नमेंट को फिर से सेंसिटाइज करें? वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारे से कोई छीन नहीं सकता। जम्मू की जनता को कोई परेशानी ना आए इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों को गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हमारे इश्यू जो है अनरिजॉल्व्ड। मेरा जो आज भी असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर एससी चीफ इंजीनियर तक आज पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं, पहली बार हिस्ट्री ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अभी तक जो है चीफ इंजीनियर्स की 2 महीने से प्लेसमेंट हुई अभी तक उनको एडजस्ट नहीं किया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स 1 साल से वेट कर रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट्स को लेकर। असिस्टेंट इंजीनियर जो 99 बैच के हैं या 2009 बैच के हैं डिग्री इंजीनियर्स वो अभी तक जो है सिस्टर डिपार्टमेंट्स में 2012-13 से भी लोग प्रमोट हो गए लेकिन यहाँ प्रमोट नहीं हुए। मेरे टेक्नीशियन जो है एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो है वो 1998 के भी है, उससे पहले के भी है, उनकी एक प्रमोशन लाइफ में नहीं हुई। मेरे मिनिस्टर कैडर की जिनकी डीपीसीज हो रखी है, रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, हेड असिस्टेंट्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स, उनकी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स, उनकी कन्फर्मेशंस, उनकी प्लेसमेंट्स के ऑर्डर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं जबकि डीपीसीज क्लियर है। ऐसे हालात बना दिए गए हैं हमारे सामने कि फिर से हमें गवर्नमेंट को आज सेंसिटाइज करने के लिए आप सबके सामने आना पड़ा, ये मीडियम को अडॉप्ट करना पड़ा। हम कहीं भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड करे, लेकिन साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी जम्मू कश्मीर में लग सकता है, उस टाइम पे हमारे जो ये इश्यूज होंगे वो एक आड़ में रोक दिए जाएंगे कि भाई इस टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो हम ये जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम अगले 15 दिन का वो टाइम दे रहे हैं ताकि वो इन चीजों पे एक कंक्रीट एक्शन प्लान लेके आए और हमारे सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल हो ग्राउंड पे और लोगों को इंसाफ मिले। अगर ये चीजें 15 दिन में निकल के आती हैं तो हमें कोई शोक नहीं है कि हम 1 तारीख को जाके या 5 तारीख को इसको रिव्यू ना करें पॉजिटिव डायरेक्शन। हम भी चाहते हैं कि हम पॉजिटिवली इसको रिव्यू करें। जो हमारी फाइल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में आज तक पेंडिंग है, मुझे बताइए जब से एडवाइजर साहब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जा चुके हैं कोई नया एडवाइजर अपॉइंट नहीं किया गया। आज हमारी हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एज एडवाइजर जा रही है और वहां पे क्या हो रहा है, एक और डिपार्टमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है हमारी फाइल्स को एग्जामिन कर रहा है विच अंडरमाइंस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर पीडीडी का क्या रोल है अगर हमें हर फाइल जीएडी में ही एग्जामिन करानी है? एडवाइजर्स होते थे उनके पास एक अपना सेक्शन होता था, टाइम और पीरियड में फाइल जो है जो भी ऑब्जेक्शन या जो भी रिमार्क्स होते थे उनके साथ आती,
आज पिछले दो महीने से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फाइल गई थी और आज दो महीने के बाद वो वापस आ रही है विद ऑब्जेक्शंस। इसी तरह से हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स डीपीसी जिनकी डेली वेजेस जब रूल क्लियर है SO-109 स्टिपुलेट करता है, सबने एग्री किया, एग्रीमेंट में माना गया कि SO-109 के तहत हमारी जो है रेगुलराइजेशन हर किसी कैडर की एश्योर्ड है, तो आज भी वो जब चीजें नहीं होती है तो दुख होता है। गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था और आज हम फिर से गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं कि वो हमारी बात को हल्की मना ले। जम्मू की जनता को और कश्मीर की जनता को ये हक है कि वो सर्दी में भी प्रॉपरली पावर उनको मिल सके। हमारा कोई भी ऐसा जो परपटली ऐसा मीडिया में आने की बात को सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही थी कि ब्लैकआउट होगा, ऐसा कोई हमारा ख्याल नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं। हमने एजुकेशन प्रोग्राम डेफिनेटली हम 5 तारीख को, 1 तारीख को, 1 फेब को हम रिव्यू करेंगे। Definitely, that's our, we reserve that right. Reserve the right of protest. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ इस चीज के ऊपर वेट करे कि 1 तारीख या 5 तारीख कब आएगा। हम चाहते हैं फिजिकली ग्राउंड पे ये चीजें फाइलें सारी क्लियर हो क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली करनी है। कोई भी ऐसी वेग चीज नहीं है जिसके लिए कि हमें स्टेशन पार्क पे जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के। थैंक यू वेरी मच। 15 दिन भी सरकार आपके कौन देखी करेगी, नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए एजुकेशनल प्रोग्राम मैंने जैसे कहा वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट, दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट लाइन बिकॉज एवरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैज अ वे टू गो। हमारी बातचीत के तरीके से मेल वार्ता हो सकती है, हमें ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, फिर से एक रीअसेस किया जा सकता है कि उन इश्यूज की प्रोग्रेस में क्या डेवलपमेंट्स। अगर उन चीजों में प्रोग्रेस आती है डेफिनेटली हम भी अपनी जो चीजों को रिव्यू करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं आती है तो जो डेली वेजर इतनी सर्दी में काम करता हुआ बेचारा समर विंटर भी निकाल देगा, गवर्नमेंट के लिए फजीहत का रीजन नहीं बनेगा, तो उस डेली वेजर को संभालने के लिए जो एक यूनियन है, आज अगर एक पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये एक किस्म से एक लीड की तरह है, ये एक परिवार है। अगर आप इस परिवार के लोगों को, मुखिया को आप सोचेंगे लीडरशिप को हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे काम नहीं होगा। आपका जब ग्राउंड पे अगर कल को म्यूटिनी होती है आप क्या करेंगे उस टाइम? आज आपका डेली वेजर आपको रियलाइज हो रहा है कि वो काम कर रहा है तभी आपकी बिजली चलेगी, आप अप्रिशिएट भी करते हैं उसको, लेकिन अगर उसके घर में आप सकर वर्ष उसको रिलीफ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए कल की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए हम कहते हैं कि हम उनकी जिम्मेवारी आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे वाबस्ता है, हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने उनकी मुतालबात को लेके जाए, उनके इश्यूज को एड्रेस कराए। आज भी मैं यहाँ से गवर्नमेंट को अगेन वंस अगेन हम अपील ही कर रहे हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में इस टाइम पे ऐसे सर्दी के हालात हैं, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेंसिटिवली इसको ले और इशू को एड्रेस करे। गवर्नमेंट ने जो रिटर्न पे इशू लिखा था उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस मामले में, क्योंकि जहाँ उन्होंने टाइम पास किया जाए टालने के लिए? कहना चाहता हूँ कि हमारा काम है गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना और इशूज को एड्रेस कराने के लिए अपील करना। आज भी हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर हमारे इशूज हमें लगा होता कि कंक्रीट तरीके से एड्रेस हो रहे हैं तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब किस तरह का लाहेमा रहेगा अगर फिर से सरकार आपके मुतालबात हो रहा है? यार दोनों देखो ये सब स्पेकुलेशंस का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। मैं कोई, हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहते हैं। पहले भी हमने जब जिम्मेदारी से बात की थी, मेरे साथ सीनियर लोग भी हैं, जयपाल शर्मा जी ये अपनी रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच चुके हैं लेकिन इन्होंने हमेशा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया है। बाकी भी मेरे साथी हैं, ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों की एक कमेटी है, तो आज की डेट में अगर जो संघर्ष चल रहा है कि ये पावर डेवलपमेंट के जो डेली वेजर्स हैं, जो स्टाफ है, 20,000 मुलाजमों का सवाल है, दे आर रनिंग अ वेरी एसेंशियल सर्विस और कोविड के दौरान आपको पता ही है पावर के सिनेरियो के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे इस डिपार्टमेंट को इग्नोर कर सकते हैं? इसको तो टॉप प्रायोरिटी में इन्होंने इसके इश्यूज एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू सर।